हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीटेड, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब क्वेश्चन में ही क्लियर बोला है कि ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, क्लियर। यह हमें प्रूफ करना है। तो रिलेशन क्या डिफाइंड है हमारे पास, ए कॉमा बी ब्रैकेट में लिखना है, बट इनको क्लियर कैसे दिया, रिलेशन ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी, या तो ए बी के बराबर होगा या जो ए है वो बी से कैसा होगा, छोटा, इट मीन्स लेस देन होगा। दो चॉइस है, ए इज लेस देन बी या फिर ए इज इक्वल बी। और क्लियर हम पढ़ेंगे तो ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी, ठीक है। सॉल्यूशन करते वक्त नाउ द फर्स्ट केस इज ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू ए। अब ए ए से तो छोटा हो नहीं सकता है, लेकिन ए ए के बराबर तो हो सकता है, राइट ना। सपोज मैंने ये वन लिया है, वन लेस देन वन नहीं हो सकता है, लेकिन वन वन के बराबर तो हो सकता है, इट मीन्स यहाँ इक्वल का भी साइन है, मतलब ये इसके बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है कि वन वन के बराबर होता है, मतलब विच इज ट्रू, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव, क्लियर। अब सेकेंड केस इज ए इज लेस देन बी हो बट बी इज नॉट लेस देन आर इक्वल्स टू ए। क्यों? सपोज मैंने ये केस ले लिया है कि वन कैसा है, टू से छोटा है, तो क्या टू वन से छोटा हो गया का, नहीं होगा। आप कोई सा भी नंबर सिलेक्ट करके देख सकते हो, आपके पास इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, आप कोई से भी नंबर्स लेंगे कि अगर वन टू से छोटा है तो क्या टू फिर वन से छोटा होगा क्या, नहीं, इट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्लियर। नाउ द थर्ड केस इज कि ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी हो, बी इज लेस देन आर इक्वल्स टू सी हो, इट मीन्स ए, देखो ए बी से छोटा है या बी सी से छोटा है, तो फाइनली ए सबसे छोटा हो गया, मतलब ए लेस देन आर इक्वल्स टू सी। अभी अगर मैं नंबर्स में आपको प्रूफ करके बताऊं तो कैसे बता सकती हूँ, देखिए वन टू से छोटा है, टू मैंने सपोज करा फाइव से छोटा है, तो वन फाइनली फाइव से छोटा हुआ, क्लियर है, मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई, मतलब विच इज ट्रू। तो आर कैसा हो गया, आर इज ट्रांजिटिव, तो देयरफोर आर इज रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, क्लियर। मतलब इसमें हमें प्रूफ करना था रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर, हैंस प्रूफ।